केंद्र सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में बेचकर बड़ी साजिश की जा रही है। केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक है। अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए ये सरकार काम कर रही है, ये आरोप सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने लगाया है। इसके खिलाफ सिटू ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सिटू राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि पिछले 70 सालों में देश दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया, लेकिन पिछले 7 वर्षों में सभी क्षेत्रों को बेचा जा रहा है। एनएमपी के नाम पर रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, कोयला, बंदरगाहों को बेचने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि 22,000 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्गों को 5 गुना कम मूल्यों पर बेचा जा रहा है। 7 साल पूर्व 16 लाख कर्मचारी सरकारी विभागों में काम कर रहे थे, लेकिन 7 साल बाद अब 9,80,000 बचे हैं। कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जा रहा है। प्रदेश में सरकारी उपक्रमों को अपना पैसा निजी बैंकों में जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए बड़े अधिकारियों, मंत्रियों द्वारा कर्मचारियों को फोन किया जा रहा है। ये निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए षड्यंत्र है। पर जो है सामने उभर कर आया, लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 7 वर्षों में इस देश के अंदर इन सारे सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की साजिश चल रही है, कोड़ियों के भाव इस पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की जो है साजिश चल रही है, लगातार पिछले 7 वर्षों में एक एक करके सभी क्षेत्रों को बेचा गया है। और अब जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर जो एयरपोर्ट हैं देश के, जो रेलवे है देश का, जो प्लेटफॉर्म हैं रेलवे के, जो नेशनल हाईवेज हैं देश के अंदर, जो कोयला है, जो शिपिंग यार्ड है, जितने महकमों का मैंने पहले भी जिक्र किया, ये सारे महकमों को पूरा बेचने का साजिश चल रहा है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर जो नेशनल हाईवे हैं उनकी जो लंबाई है वो 1,32,000 किलोमीटर है। उसमें से सरकार ने तय कर दिया है कि 22,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अब इनकी कीमत जो बनती है 22,000 जो किलोमीटर है नेशनल हाईवेज, ये 16% बनता है कुल नेशनल हाईवेज का। इसकी जो आज कीमत है वो कीमत है 8,00,000 करोड़ रुपया। लेकिन इन 8,00,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे को सरकार ने घोषणा कर दिया 1,60,000 करोड़ में बेचा जाएगा, यानी कि जितनी कीमत है उससे 5वें हिस्से में बेचा जाएगा। आप समझ जाइए इस बात से कि ये पूरा अमीरों के साथ खुली मिलीभगत चल रही है। जितनी कीमत है उस चीज़ की उससे 5 गुना कम जो है उसको उसमें बेचा जा रहा है। और एक नई चीज़ जब आ गई है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में कि अब तो पूंजीपतियों को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे अगर किसी चीज़ को खरीदना है। पूंजीपतियों को अब ये भी छूट सरकार दे रही है कि आप अभी पैसे मत दो जो आपने चीज़ खरीदनी है, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र खरीदना है, खरीदने के बाद जो भी आपको इनकम आएगी उसमें एक छोटा सा हिस्सा 10-15-20% जो है उनको दे दिया जाए, बाकी सारा वो लेके उड़ेंगे। ये पूरा पैसा किसने लगाया सार्वजनिक क्षेत्र को खड़ा करने में? सरकार ने, पब्लिक ने। बेचा किसको जा रहा है? प्राइवेट को, लालाओं को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को। बेचा कितने में जा रहा है? 5 गुना कम कीमत पर बेचा जा रहा है और पूरी छूट दी जा रही है। तो ये जो पूरी साजिश इस देश के अंदर चल रही है, ये साजिश जो है आप देख रहे हैं। अभी एयर इंडिया का उदाहरण आपने देखा किस तरीके से टाटा को वो दे दिया गया। आप देख रहे हैं अंबानी अडानी किस तरीके से जो वेयर हाउस हैं, जो हमारे गोदाम हैं हमारे देश के, उस पर कब्जा कर रहे हैं। रेलवे के अंदर आप देख रहे हैं 2 रुपये का प्लेटफॉर्म का टिकट जो जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ आज 50 रुपये में वो पहुँच गया। आप सारे का सारा, आप नेशनल हाईवेज के प्राइवेटाइज होने से क्या होगा? आप देख रहे हैं जगह जगह टोल प्लाजा खड़े हो गए। आप गुजरिए पंजाब से, हिमाचल से, आपको एक जगह जाना है तो आपको 5 जो है आपको उनसे टोल बैरियर से जाना पड़ेगा। जनता पर ही लास्ट में बोझ पड़ेगा। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है जो पिछले 7 वर्षों में हुई है कि आम जनता को क्या फ़र्क पड़ा? लोग ये पूछते हैं आम जनता को ये फ़र्क पड़ा पिछले 7 साल में जितना निजीकरण हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र जितने हैं जिनका मैंने नाम लिया, इसमें 16 लाख लोग काम कर रहे थे जो सीधे काम कर रहे थे सरकार के पास। जो ठेके पर थे वो अलग हैं, कैजुअल अलग है, टेम्परेरी अलग है, आउटसोर्स अलग है। जो सीधे पक्के कर्मचारी थे वो 16 लाख थे, लेकिन पिछले 7 सालों में 16 लाख से ये संख्या घटकर निजीकरण के चलते ये हो गई 9,80,000, यानी कि 7 लाख लोगों की छंटनियाँ हो चुकी हैं, कर्मचारी घर जा चुके हैं। एक उदाहरण ले लीजिए आप, यहाँ BSNL के पास खड़े हैं, अभी 1.5 वर्ष पूर्व ही 90,000 BSNL के कर्मचारियों को पूरे देश में जो जबरन रिटायर करके जो घर भेज दिया गया है उसको कंपलसरी रिटायरमेंट भी नहीं बोला, BRS बोला
जबरदस्ती दबाव बनाया, तनख्वाह दी नहीं, मजबूरी में उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो ये जो पूरे देश के अंदर निजीकरण की साजिश चल रही है, जिसको नया नाम इन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन दे दिया है, इसके खिलाफ जो CITU पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रही है। और हम चाहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र बचे, हम चाहते हैं सरकारी क्षेत्र बचे, हम चाहते हैं सरकारी क्षेत्र आगे बढ़े, ताकि जनता को आसानी से जो है सारी सुविधाएँ मिल पाएँ, BSNL से सस्ती सुविधा मिल पाए, बैंक जो है सरकारी कायम रहे। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो मीडिया ने अभी इस बात को रिपोर्ट नहीं किया, जो हिमाचल का भी एक नया उदाहरण आया है, 2 दिन पूर्व जो है मुझे किसी अध्यापक ने इस बात का जिक्र किया कि सब जगह जो है अब फ़ोन किए जा रहे हैं बड़े बड़े आला अधिकारियों के द्वारा या सरकार के जो मंत्री हैं और जो दूसरे विधायक हैं उनके जरिए सब जगह यह बोला जा रहा सरकारी क्षेत्र में कि आपके जो खाते चलते हैं जहाँ पैसा जमा करते हैं, मान लो स्कूल है, स्कूल का एक जो पैसा आता है उसको पहले वो SBI में या दूसरे सरकारी PNB में या यूको बैंक में जमा करते थे, उनको साफ निर्देश दे दिए गए हैं, दबाव बनाया जा रहा है कि आज के बाद जो है आपको पैसा जो है अपना सरकारी बैंक में नहीं डालना है, किस में डालना है, HDFC में डालना है, एक्सिस बैंक में डालना है। ये पूरी निजीकरण की साजिश और सरकार खुले रूप से इन पूंजीपतियों के साथ है। इसके खिलाफ ही हमने ये प्रदर्शन आज यहाँ पर भी किया, पूरे देश में भी है और हिमाचल प्रदेश के अंदर।